आज आपकी खास मुलाकात करवाते हैं एक्ट्रेस आकांक्षा जुनेजा से, जिन्होंने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से एक्सक्लूसिव बात की है। आकांक्षा जुनेजा जब हमारे प्लेटफॉर्म पर आई तो उन्होंने कई ऐसे राज खोले जिससे आप भी हैं अनजान। आकांक्षा ने बताया कि टीवी इंडस्ट्री में कोई भी उनका दोस्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वे किसी के लिए भी बुरा सोच भी नहीं सकती हैं और ना ही किसी की उपलब्धि से खुद की तुलना करती हैं। बावजूद इसके उन्हें कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल पाया है। बिना वक्त जाया किए आइए चलते हैं आकांक्षा जुनेजा के पास और उन्हीं से करते हैं पूरी बात। जब बाहर घूमने जाती हैं तो जब कोई हीरो होता है सीरियल का तो सब लोग अरे उससे मिल लो, प्यार है। जब आप बाहर जाती हैं तो लोग आपके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, बच्चे या जो लोग हैं? सब बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बट यहाँ पे ना मैं पहले एक फनी इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। मोस्ट ऑफ देम लाइक मतलब 30-40% लोग आके मुझे ये बोलते हैं अरे आप वो हो ना, तो आई एम लाइक तो दे आर लाइक आपको पता है हमने कैसे पहचाना, कैसे? आपके दांतों से। अगर दांतों से पहचाना भी था तो बोला क्यों? सो या आई एम हैविंग गुड एक्सपीरियंसेस। और आजकल तो मास्क रहता है तो आंखों से भी पहचानने लगे हैं लोग, सो आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, गुड। अच्छा कोई दांत छुप गए। तो अच्छा कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपसे डर रहा है, आपको लग रहा है यार ये तो वैम जैसी होगी जैसे टीवी पे दिखती है, यू नो ऐसी कि लोग आते हैं प्यार से मिलते हैं? अरे सीरियसली मतलब लोग आते हैं, पहले तो ऐसे डर डर के, पहले धीरे धीरे ऐसे मैम एक सेल्फी, तो मैं अच्छे से स्माइल करके हाँ यस यस कम, अरे मैम आप तो बिल्कुल अलग हो, आप टीवी में तो एकदम अलग रहते हो, आप रियल लाइफ में इतने स्वीट हो, कोई बिलीव ही नहीं करेगा आप इतने स्वीट हैं। क्या ओके आई नो दैट, टेल मी समथिंग न्यू, मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। सो या दैट हैपेंस अ लॉट। टीवी इंडस्ट्री में आप काम कर रही हैं, यहाँ पर दोस्ती यारी की कैसी होती है? क्या आपके कोई बेस्ट फ्रेंड है कि बनते नहीं है एक्टिंग की दुनिया में बेस्ट फ्रेंड? नहीं ऐसा नहीं है, हाथ में पांच उंगलियां होती हैं, पांचों उंगलियों का साइज अलग होता है, तो ऐसे तरह तरह के लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं, हमारी इंडस्ट्री में भी तरह तरह के लोग हैं, तो काफी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ जो मतलब डे वन से लेके आज तक मेरे बहुत बहुत क्लोज हैं। 11-11, 12-12 साल की हमारी फ्रेंडशिप है, कुछ नए भी बने हैं जो काफी थिक लाइक फैमिली दे आर टू मी। सो या आई हैव गुड फ्रेंड्स इन इंडस्ट्री, एंड जैसे बाहर फ्रेंड्स हैं वैसे इंडस्ट्री में भी फ्रेंड्स हैं, पीपल आर सेम एवरीवेयर। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी मम्मी है। अच्छा, और फिल्म इंडस्ट्री से मतलब टीवी इंडस्ट्री में कोई एक्टर बेस्ट फ्रेंड है आपका? बेस्ट फ्रेंड नहीं बट फ्रेंड्स हैं, बिकॉज उतना टाइम नहीं मिलता है उतना कनेक्ट रहने के लिए, सो या वी कीप मीटिंग। शालीन भानोट इज अ वेरी डियर फ्रेंड, पारुल चौहान इज अ वेरी डियर फ्रेंड, जिज्ञासा सिंह इज वेरी क्लोज, देन विनीत कुमार इज वेरी क्लोज, अजय नागरथ इज वेरी क्लोज, नाजिम खिलजी, नाजिम मोहम्मद साथियावन अहम, ही इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड, बहुत सारे लोग हैं, लॉट ऑफ फ्रेंड्स। और वो वाली फीलिंग किसके साथ है कि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? सी आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि किसी के लिए कुछ अच्छा होता है तो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे कभी भी वो फीलिंग नहीं आती किसी के लिए कि इसको ये बेटर क्यों है मुझसे या इसको ये चीज बेटर क्यों है मेरे से। इंस्टेड मैं अपनी लाइफ में अपने आप को इम्प्रूव करने पे अपना दिमाग लगाऊंगी, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग एंड यू नो कंपेयरिंग माई सेल्फ विद पीपल, क्योंकि वो कंपेरिजन स्टेट में अगर हम चले जाते हैं हमारी लाइफ में तो हमारी ग्रोथ खत्म हो जाती है। बहुत डिप्लोमेटिक वाला जवाब था, बहुत बोरिंग था। लेकिन सच था।